यू शेप्ड वायर है इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव्ड। ठीक है, ये वायर है, इसकी फिल्म आ गई, सोप की फिल्म आ गई, स्लाइडर लगा हुआ है। और मुझे ये बताओ कि जब आप इसको सोप की फिल्म ले आएंगे और स्लाइडर इज फ्री टू मूव, तो स्लाइडर कहाँ मूव करेगा, ऊपर कि नीचे? ऊपर। ऊपर क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी फिल्म, और स्लाइडर कहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, ताकि एरिया मिनिमाइज हो जाए। पर तुम ये चाहते हो ये ऊपर ना जाए, तो तुमने क्या लगा दिया, नीचे एक वेट लगा दिया ताकि ऊपर ना जाए, और ये रेस्ट पे आ गया। तो आपको ये बताना है, इतना वेट लगा दिया इंक्लूडिंग वेट ऑफ द स्लाइडर, तो लेंथ ऑफ द स्लाइडर आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन बोलो क्या होगी। तो रूल क्या है, ये मॉलिक्यूल लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाएंगे स्लाइडर को, और कितनी फोर्स लगाएंगे, इसकी लेंथ अगर एल है, सरफेस टेंशन टी है, तो टी इंटू लेंथ क्या है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ क्या है, फोर्स। और फोर्स कितनी है, ट्वाइस। ट्वाइस क्यों, क्योंकि दो फ्री सरफेस हैं आगे भी और पीछे भी, तो डबल से मल्टीप्लाई, और ये फोर्स वेट को इक्वेट करेगी, तो ये फोर्स वेट को इक्वेट करेगी, लेंथ तुम्हें पता है, टेंशन की वैल्यू आएगी। अब कई लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं यार ये बड़ी गड़बड़ है, दो फ्री सरफेस है कि एक फ्री सरफेस है, मुझे समझ में नहीं आती, पता कैसे लगेगा। मैं आपको तीन चार एग्जांपल देता हूँ, इसके अलावा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बात ही खत्म है। एक होता है ना कि चलो शायद कुछ आएगा, आएगा ही नहीं, फ्री सरफेस में तीन टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, तो सुन लो वो भी, कहाँ टू से मल्टीप्लाई करना है और कहाँ नहीं करना, एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम्पल आया जिसमें एक लिक्विड है, और लिक्विड के यहाँ क्या है, एयर है, ये लिक्विड है, तो इसमें कितनी फ्री सरफेस है, एक, एक फ्री सरफेस है बस, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि नीचे पानी ऊपर एयर है, बात खत्म। अगर आपका एग्जाम्पल ये आया जिसमें एक स्लाइडर लगा हो और ये सोप की फिल्म है, तो 101% है यहाँ पर जो फोर्स निकलेगी वो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो। तो यहाँ पर कितनी फ्री सरफेस है, दो, क्योंकि पता है एक आगे और एक पीछे। अगर क्वेश्चन किस पे आता है, लिक्विड ड्रॉप पे आता है, ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप किसका बना हुआ है, लिक्विड का, और लिक्विड के बाहर क्या है, एयर, तो कितनी फ्री सरफेस है, एक, एक, अंदर पानी बाहर एयर। अगर किस पे आता है, बबल, तो बबल के अंदर क्या है, एयर, बाहर क्या है, एयर। अब ये मॉलिक्यूल बाहर भी हैं, लाखों मॉलिक्यूल बीच में भी हैं, और फिर अंदर भी हैं, तो अंदर की सरफेस अलग कॉन्ट्रैक्ट होगी, बाहर की अलग होगी, तो कितनी फ्री सरफेस है, दो। तो फिर बबल में हमेशा दो से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। और आखिरी एग्जाम्पल जो आएगा वो कहेगा ये लिक्विड है और आपका बबल लिक्विड के अंदर है, ये क्या है, बबल है, और ये बबल लिक्विड के अंदर है। अगर ये बबल लिक्विड के अंदर है, अब अंदर क्या है, एयर, बाहर क्या है, वाटर, तो कितनी फ्री सरफेस है, एक, तो इसमें एक फ्री सरफेस है बस। बबल की वैसे तो दो होती हैं, पर अगर बबल वाटर में है तो फिर एक फ्री सरफेस हो जाती है, क्योंकि बाहर का एयर तो गायब हो गई, वहां तो पानी आ गया। तो बात समझ में आ रही है, इसके अलावा कुछ ना था, बस अब देख लेना, जिसमें दो है उसमें दो से रिजल्ट मल्टीप्लाई करना है, जिसमें एक है उसमें एक से करना है। अंदर पानी भरा हुआ है, अंदर एयर ही नहीं है, बाहर ही बाहर एयर है, तो एक ही हुई ना हर बाउंड्री में।